नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और रहस्यमयी किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे शंगरीला घाटी की, एक घाटी जहां पर जाकर लोग गायब हो जाते हैं। ये घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। इसमें एक है पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और सरकारी संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज। उन्होंने अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया है। तिब्बती साधक भी इसके बारे में कहते रहे हैं। इस घाटी को उस बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही दुनिया की सबसे रहस्यपूर्ण जगह माना गया है। कहा जाता है कि भूहीनता का प्रभाव रहता है। ये भी कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से है। जाने माने तंत्र साहित्य लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने भी अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। माना जाता है इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से अदृश्य हो जाता है। माना जाता है ये जगहें देश और काल से परे होती हैं। शंगरीला घाटी को बरमूडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वह स्थान भी भूहीनता के क्षेत्र में आता है। कहा जाता है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की भी कोशिश की, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तिब्बती विद्वान युत्सुंग के अनुसार इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से भी है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज देश काल और निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहां प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। अध्यात्म क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह घाटी भारत के साथ साथ विश्व भर में मशहूर है। युत्सुंग खुद के वहां जाने का दावा करते हैं। बकौल उनके, वहां न सूर्य का प्रकाश था और न ही चांद की चांदनी। वातावरण में चारों एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ था और साथ ही एक अजीब सी खामोशी। युत्सुंग ने वाराणसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को बताया वहां एक ओर मठों, आश्रमों और विभिन्न आकृतियों के मंदिर थे और दूसरी ओर दूर तक फैली हुई शंगरीला की सुनसान घाटी। यहाँ के तीन साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। शंगरीला घाटी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। सिद्धाश्रम का वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। सिद्धाश्रम का जिक्र काल विज्ञान पुस्तक अंग्रेज लेखक हिल्टन ने अपनी किताब लॉस्ट होरिजन में भी दिया है। इस घाटी पर अरुण कुमार शर्मा ने तिब्बत की रहस्यमय घाटी नाम की किताब भी लिखी है। जेम्स हिल्टन ने अपनी पुस्तक लास्ट होरिजन में इस रहस्यमय घाटी के बारे में कहा, वहाँ लोग सैकड़ों बरसों तक जीवित रहते हैं। उनकी पुस्तक को पढ़कर कई देशी विदेशी खोजियों ने शंगरीला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। माना जाता है कि चीन की सेना एक लामा का पीछा करते हुए घाटी तक आई, लेकिन शंगरीला का पता नहीं लगा सकी। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक और ऐसा ही किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।